पोइम नंबर 1 रिस्क्स, ये पहली कविता है जिसका मतलब होता है जोखिम या खतरा उठाना। जीवन के हर क्षेत्र में जोखिम ही जोखिम हैं, खतरे ही खतरे हैं। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो बताते हैं रिस्क के बारे में। आइए देखते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। हंसते हुए हमें इस बात का जोखिम है कि हम मूर्ख नजर आएं। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। और यदि रोते हैं तो उसमें जोखिम है, खतरा है कि हम भावुक नजर आएं, भावुक हो जाएं। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। और यदि हम दूसरे तक अपनी पहुंच बनाएं, यानी दूसरे के साथ में व्यवहार करें, तो उसके अंदर खतरा है या जोखिम है शामिल हो जाने का, उनके मामलों में पड़ जाने का। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना, किसी को बता देना, उसमें भी खतरा है। किस बात का? कि कहीं हमारा सत्य उद्घाटित ना हो जाए, यानी हमारा जो सच है, हमारा जो स्वयं का सच है, वो कहीं खुल करके सामने ना आ जाए। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइव। और अपने विचार, अपने स्वप्न, अपने सपने, अपनी योजनाएं यदि हम भीड़ के आगे बताते हैं, यानी ऐसे लोगों के आगे बताते हैं जिन्हें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, तो वो हमें नाइव कहते हैं। नाइव होता है नौसिखिया या जिसको अनुभव नहीं होता, अनुभवहीन व्यक्ति हमें कहते हैं। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। और यदि प्रेम करते हैं उसमें भी जोखिम रहता है कि सामने से प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वापस प्रेम प्राप्त होगा कि नहीं होगा। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में भी मरने का जोखिम है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा करने में निराशा का जोखिम है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, और कोशिश करने में असफलता का रिस्क है, यानी जोखिम उठाते हैं। अगर हम कोशिश करते हैं किसी चीज़ की तो हो सकता है कि वो कामयाब हो जाए, हो सकता है कि असफल हो जाए, तो उसमें जोखिम रहता है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। अब यहाँ पोएट कहता है कि हमें रिस्क तो अवश्य लेना चाहिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। क्योंकि सबसे बड़ी जो खतरा है, सबसे बड़ा जो खतरा है, सबसे बड़ा जो नुकसान है, वो जीवन में कोई भी रिस्क ना लेना है, यानी कोई जोखिम नहीं उठाना ही सबसे बड़ा जोखिम है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, व्यक्ति जो किसी चीज का जोखिम नहीं उठाता, डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता, हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता, इज नथिंग, वह स्वयं कुछ नहीं होता, एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ बन भी नहीं पाता। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, हो सकता है वो थोड़ी पीड़ा या दुख से बच जाएं, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो सीख नहीं सकते, फील अनुभव नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, चेंज परिवर्तन नहीं कर सकते, ग्रो आगे नहीं बढ़ सकते, लव प्रेम नहीं कर सकते, लिव और जी भी नहीं सकते। अर्थात जो रिस्क नहीं लेगा वो कुछ भी नहीं कर पाता। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, चेन्ड मतलब बंधे हुए रहते हैं, सर्टिट्यूड निश्चितता के साथ, एक निश्चिंतता के साथ, निश्चितता के साथ वो बंधे रहते हैं। दे आर स्लेव्स, वे तो गुलाम हैं। दे हैव
forfeited their freedom, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है, forfeited खो दिया है. Only a person who risks is truly free, केवल वही व्यक्ति जो जोखिम उठाता है, रिस्क उठाता है, खतरा उठाता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि इस चक्कर में मत बैठे रहिए कि इससे ये नुकसान हो जाएगा या वो नुकसान हो जाएगा, हमें कार्य के लिए आगे कदम बढ़ा ही देना चाहिए. नाउ अबाउट द पोएम, रिस्क इज अ मोटिवेशनल पोएम. ये एक रिस्क जो है ये एक प्रेरणादायक कविता है. एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंटिसिपेट्स रिस्क. कोई भी कार्य जो कि मनुष्य द्वारा किया जाता है उसके अंदर कुछ ना कुछ खतरा या जोखिम तो अपेक्षित होता है, यानी रहता ही है. ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का खतरा ना हो. होप में रिजल्ट इन टू डेस्पेयर, आशा का परिणाम निराशा हो सकता है. एंड लाइफ इन टू डेथ, और जीवन का मृत्यु. रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, जोखिम जीवन का अभिन्न अंग है. वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज. हम कह सकते हैं कि जीवन जोखिम से भरा हुआ है और हमें इस डर से उबरने के लिए साहस की आवश्यकता होती है. सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क. और सफलता सब कुछ जो भी कुछ है वो मात्र साहस है रिस्क लेने का, जोखिम उठाने का. यानी यदि अगर सफलता किसी चीज़ को कहा जा सकता है तो वो जोखिम उठाने का साहस ही होता है. द पोएट गिव्स अ मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स. और यहाँ पर कवि संदेश प्रदान करते हैं सभी मानवों को, टू टेक रिस्क इफ दे वॉन्ट टू, कि उन्हें जोखिम उठाना चाहिए यदि वे चाहते हैं अचीव समथिंग, कुछ उपलब्धि प्राप्त करना. इफ वी डोंट टेक रिस्क देयर इज अ चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशंस इन लाइफ. अगर हम जोखिम नहीं उठाते, खतरा नहीं उठाते, तो हो सकता है कि हमें दुख ना मिले या दर्द भरी परिस्थितियां जीवन में ना आए. हो सकता है, ऐसा निश्चित नहीं है. बट वी विल बी मिसिंग सो मच, लेकिन हम बहुत सारी चीजें खो चुके होंगे. विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग. और सबसे बड़ी बात, बिना जोखिम उठाए हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे. नाउ लेट्स सी द ग्लोसरी. इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ एक बार देख लें. रिस्क, रिस्क अ सिचुएशन दैट कुड बी डेंजरस और हैव अ बैड रिजल्ट, जोखिम या खतरा. सेंटिमेंटल अनडिजायरेबली इमोशनल, भावुक. इन्वॉल्वमेंट द एक्ट ऑफ टेकिंग एक्टिव पार्ट और कीन इंटरेस्ट इन समथिंग, शामिल होना. एक्सपोज, ब्रिंग टू लाइट, यानी उद्घाटित हो जाना, सामने आ जाना. नाइव, शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवहीन होना. हैजार्ड, डेंजर, खतरा. सोरो, एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस, ग्रीफ, दुख. चेन्ड, रिस्ट्रेन्ड, बंधे हुए होना. स्लेव्स, पीपल हैविंग नो फ्रीडम ऑफ एनी काइंड, गुलाम. सर्टिट्यूड, अ फीलिंग ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी, निश्चितता. फॉरफिटेड, लॉस्ट, खो देना. सो रीड दिस पोएम अगेन एंड अगेन. एंड दिस पोएम इज, एज यू नो, द पोएट्स नेम इज जैनेट रेंट. तो लर्न द पोएम एंड द पोएट्स नेम सो यू कैन एक्सप्लेन विद द कॉन्टेक्स्ट इन द क्वेश्चन आंसर्स एंड डू द क्वेश्चन आंसर्स.